बहुत बड़ी एक थप्पड़। क्या महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ जरा के खा। हम छत्री की औलाद है, ये हिंदू धर्म अगर बचाऊंगा तो छत्री की वजह से बचा है, छत्री की वजह से। छत्री अगर नहीं होता गोल टोपी पहना पड़ता था, गोल टोपी यहां पे। अरे हमारे इज्जत के साथ में अगर तुम खेले तो ख्याल रखना, संजय लीला भंसाली, राखी सावंत, जावेद अख्तर, शमाल आलमी, तुम्हारा स्नान हम एसिड के अंदर करेंगे, एसिड के अंदर। पुरोहित साहब आपको पता नहीं है ये राजपूत जेल को कभी डरता नहीं है। हमारा जेल पांचों धाम है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वही जेल के अंदर हो गया है। हम जेल में जाने को तैयार है। पुरोहित साहब आप भी हमारे साथ में जेल में आ गए तो आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे साहब। राजपूतों के दिमाग के अंदर सिर्फ दो ही धर्म होते हैं, और धर्म प्रेम और राष्ट्र प्रेम, वही राजपूत कहलाता है। आज धरती मां पुकार रही है, अरे छत्रियों उठो उठो उठो, देश की सत्ता हाथ के अंदर लो और बताओ। अगर हम सत्ता के अंदर नहीं आए ये ऐसे भड़वा शैली लगे होते आएंगे माधव चोर। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, एक कहना चाहता हूं कि आज आन बान शान छत्रियों की खतरे में आ गई है। हमारे कालवी साहब रहो या सुखदेव सिंह कोगाबड़ी रहो, इन दो महान योद्धा ने पूरा राष्ट्र के अंदर छत्री तो जगा किया है। कालवी साहब आज तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इतनी बड़ी शक्ति देखते हैं हम। सबसे बड़ा देखो, जब संसद के ऊपर हमला हो गया था वो संसद का दरवाजा अगर ठाकुर गजेंद्र सिंह ठाकुर ने बंद नहीं करता था तो पूरा मंत्रिमंडल खाक हो जाता। अब आप देख लीजिए ताश के ऊपर जब हमला हो गया, तीन दिन ही तो चला ताश के ऊपर, जब मनमोहन सिंह इनको सेनापति ने बुलाया, सेनापति बुलाया कि क्या किया जाए, उन्होंने एक ही कहा कि राजपूत बटालियन को भेजो वहां पे। ताश के अंदर सुबह 4 बजे राजपूत बटालियन आई, 5 बजे आतंकवादी का काम तमाम। मैं ज्यादा वक्त लेता हूं क्योंकि पुरोहित साहब मेरे मुझे अंधेरी के अंदर पद्मिनी के खिलाफ में अरेस्ट हो गया था। मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने वाला कार्यकर्ता हूं मैं यहाँ पे, और मैं पुरोहित साहब आपका मैं आभार हूं क्योंकि पुरोहित हमारे लिए पूजनीय होते हैं। आपने फौरन से काम किया पुरोहित साहब, ये मोर्चा तो हमारा था, लेकिन जब मैंने नाम सुना राज के पुरोहित, इनके नाम में राज है और हमारे खून में राज है, हम राज करेंगे। जाते जाते ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, बोलिए आप। अरे छुट्टी तो लगे होती आके छोड़ दो उसके, मैं बोला उसके बाद मुझे एक नारा दो, रानी पद्मावती जिंदाबाद का नाम, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। और एक नारा और जानेगा कि राजपूत अंगार है, भंसाली भंगार है, राजपूत अंगार है, राजपूत अंगार है, राजपूत अंगार है।